है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार टॉपिक देखे थे। इसमें हमने देखा था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन हो गया, ठीक है, एमिसिविटी, इमिसिव पावर, एब्सॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी, ठीक है। और इनसे रिगार्डिंग जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज देखी थी, जैसे आपका ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, बेटा ये विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। सिद्धांत, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, ठीक, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी हमने देखा था, व्हाइट बॉडी, ऑपेक्यू बॉडी और आपका ग्रे बॉडी, ठीक है। ये चार बॉडी हमने देखा था। ब्लैक बॉडी क्या होता है? जिसमें टोटल एब्जॉर्प्शन होता है, देर इज नो रिफ्लेक्शन एंड देर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। व्हाइट बॉडी क्या होता है? जिसमें आपका सिर्फ या ओनली रिफ्लेक्शन होता है, देर इज नो ट्रांसमिशन एंड नो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑपेक्यू बॉडी क्या होता है? जिसमें ट्रांसमिशन नहीं होता, ओनली एब्जॉर्प्शन और ओनली रिफ्लेक्शन होता है। और ग्रे बॉडी क्या होता है? जिनमें तीनों फिनोमिना आपके ऑकर होते हैं, यानी एब्जॉर्बिविटी भी होती है, रिफ्लेक्टिविटी भी होती है और ट्रांसमिसिविटी, तीनों आपकी उसमें ऑकर होते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडीज, ठीक है। ब्लैक बॉडीज के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अपने डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि रेडिएशन के लिए या रेडिएशन को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या कंसेप्ट होता है? हमने देखा कि ब्लैक बॉडी क्या करेगा, टोटल एब्जॉर्प्शन करेगा आपका। क्या करेगा? सबसे पहली चीज तो जो रेडिएशन आप ब्लैक बॉडी पे या किसी भी सरफेस पे डाल रहे हैं, और अगर वो ब्लैक बॉडी है तो वो क्या करेगी? टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी जनरेट करना या ऐसी बॉडी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ब्लैक बॉडी का जो कंसेप्ट है, एक आइडियल कंसेप्ट है, एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट लिया गया है जिसे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल एब्जॉर्प्शन है तो जो अपना हमने बनाया था अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा, रिफ्लेक्शन 0 एंड ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओनली आपका क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी? ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी कि क्या करेगा? जितनी भी रेज इंसिडेंट होगी, ठीक है, इट एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉल ऑन इट, ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉल ऑन इट, ठीक है। जितनी रेडिएशन आपकी ब्लैक बॉडी की सरफेस पे आप लोग इंपैक्ट करवाएंगे, उन सबको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा अब जितनी ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्क डन होगा, इसके अलावा क्या करेगा ये? उतनी ही मैक्सिमम जो थर्मल रेडिएशन है ये इमिट करेगा। तो क्या कर लेंगे? इट इमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो ये कुछ है कि इसकी प्रॉपर्टी रहेंगी कि जितना ये अब्सॉर्ब करेगा उतना ही ये क्या करेगा? उसको एमिट आपके लिए करेगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, या सिर्फ ये बोल सकते हैं दो लाइन में, एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके ब्लैक बॉडी के लिए कि फर्स्ट वन टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमने जो एक इक्वेशन बनाई थी कि एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इक्वल टू 1 होता है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक
रिफ्लेक्शन और टाउ जो है आपका जो क्या कहते हैं ट्रांसमिशन जो है आपका जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट हो रहा है कि जितना आप किसी भी ब्लैक बॉडी जो सरफेस है उस पर जितना ज्यादा आप उस पर रेडिएशन उस पर इम्पैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा उस एब्जॉर्प्शन को वो उस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन को वापस इमिट भी कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एक लेवल तक वो अपने पास रखेगा, उसके बाद क्या करेगा वो उसमें इमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गए। नेक्स्ट अपना फर्स्ट लॉ स्टार्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना द स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, ये हम लोग कुछ एक लॉज पढ़ेंगे जो कि रेडिएशन की कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो स्टेफन बोल्ट्जमान ने क्या कहा था कि द टोटल इमेसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है एक चीज ध्यान रखना, टोटल इमेसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. The total emissive power of black body is directly proportional to fourth power of temperature. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका हो गया, किसने क्या कहा, स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इट स्टेट दैट द इमेसिव पावर द टोटल इमेसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसको जब मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ईबी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपका एक कॉन्स्टेंट आता है और उस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम लोग इसमें बोलते हैं। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.67 × 10⁻¹⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्लैंक स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 5.67 × 10⁻¹⁸ वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। ठीक है, अब अगर सिग्मा की वैल्यू या इसकी वैल्यू मैं वहां से रखता हूँ, ई बी क्या हो जाएगा मेरे लिए 5.67 ठीक है इंटू टी अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, इनमें ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन या ज्यादा बड़े स्टेटमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनकी स्टेटमेंट और इनका वन लाइन का डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है। तो टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें ई बी क्या हो जाएगा आपका टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसलिए हमने ई बी लिखा है और उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो सिग्मा आपका आता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आपका किरचॉफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है आपका किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखिए किरचॉफ लॉ हम लोगों ने जब फिजिक्स पढ़ी थी तो उसमें आपके इलेक्ट्रिक जब आप इलेक्ट्रिकल का सेक्शन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक का तो वहां पे भी आपका किरचॉफ लॉ होता है। वहां पे क्या कहता है किरचॉफ लॉ
कि अगर आपका कोई भी सर्किट है किसी सिंगल पॉइंट से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां से जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ का यही स्टेटमेंट था कि अगर एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर टू द टोटल एब्जॉर्बिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द सब्सटेंस विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उनका जो टोटल इमिसिव पावर है और टोटल एब्जॉर्बिटी है, ठीक है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा जो है रेडिएशन को इमिट कर रहा है, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक साथ में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो इमिट कर रहा है रेडिएशन को वो जितनी पावर इमिट करेगा, यानी जितनी इमिसिव पावर वो इमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन आपका दूसरी जो सरफेस है वो कर लेगी। डेट मीन्स देर इज नो सच लॉसेस ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये प्रोसेस होगा तो उसमें किसी टाइप का कोई रेडिएशन का या किसी टाइप का हीट का लॉस नहीं होगा, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, द लॉ स्टेट दैट the law state that at any temperature the ratio of टोटल इमिसिव पावर द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर ई द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर टू द टोटल एब्सॉर्बिटी टू द टोटल absorptivity is a constant for all substances substances which are in thermal equilibrium विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है। तो वो क्या होंगे, अपने एनवायरमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये आपका किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग डेरिवेशन डिराइव करते हैं। तो इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सरफेस से इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, सॉरी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ठीक है। ये जो इमिसिव पावर है इसकी ई भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका एरिया है ए वन, ठीक है। ए अपने इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का हो गया और ये आपकी स्मॉल बॉडी है, ठीक है। हम इसको बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया होलो स्पेस, ठीक है, ये आपका होलो स्पेस हो गया और ये आपकी स्मॉल बॉडी हो गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या कह रहा है कि जितनी ये बाहर वाला जो स्फीयर है या जो स्पेस है ये जितना रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है, उतनी सारी रेडिएशन को जो स्मॉल एरिया ए वन है ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगर हम लोग बात करें कि इक्विलिब्रियम के करने उसमें क्या लिखेंगे,
एट इक्विलिब्रियम यानी कि अगर जनरल इक्वेशन आपको बनानी हो तो हम लोग क्या बात करेंगे कि A1 E1 इसकी इमिसिव पावर ठीक है इक्वल टू एब्सॉर्बिटी ठीक है ये चीज आपकी इसमें रहेगी। ये क्या कह रहा है कि जितनी एनर्जी इमिट हो रही है उतनी एनर्जी E1 पर यूनिट से ठीक है ये चीज हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई ठीक है। अगर इसको हम लोग इस ऑब्जेक्ट को हटा के ठीक है ये क्या है देखो इसको समझ लीजिए α1 तो आपका एब्सॉर्बिटी हो गई आपके जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है इसकी एब्सॉर्बिटिव कैपेसिटी। EB आपका हो गया टोटल इमिसिव पावर। E1 हो गया आपका जो इंटरनल जो है इसकी इमिसिव पावर कितनी है ठीक है। तो जितनी ये एब्सॉर्ब करेगा उतनी इसकी इमिसिव पावर रहेगी ठीक है। तो ये चीज इसके लिए रहेगी। अगर हम लोग एक और A2 एरिया वाला इसमें रख देते हैं मैंने क्या किया कि यहां से अब A1 को रिप्लेस किया A2 से ठीक है। तो A2 से करूंगा तो मेरे लिए A2 की कंडीशन होगी। तो नाउ वी रिमूव बॉडी A1 बॉडी 1 ठीक है बॉडी 1 एंड रिप्लेस इट बाय सेकेंड बॉडी एंड रिप्लेस इट बाय बॉडी 2 ठीक है। जब बॉडी 2 से हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब A2 B2 आ जाएगा। तो A2 इक्वल टू एब्सॉर्बिटी ऑफ सेकेंड सरफेस अब जो सरफेस आएगी उसके अकॉर्डिंग एब्सॉर्बिटी और EB तो आपका सेम रहेगा क्योंकि बाहर वाली सरफेस हम चेंज नहीं कर रहे हैं ठीक है। बाहर वाली सरफेस आपकी सेम है ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये हो गई ठीक है। अब जब अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है EB इक्वल टू आपका क्या रहता है यहां से E1 अपॉन α1 या फिर E2 अपॉन α2 ठीक है। और एक जनरल बात करें तो E अपॉन α हो जाएगा ठीक है जिसमें EB तो क्या हो गई ब्लैक बॉडी और E क्या हो गया जनरल बॉडी का इमिसिव पावर ठीक है। EB तो क्या हो जाएगा आपका इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ठीक है। और E क्या हो गया किसी भी जनरल बॉडी जो उसके अपने कांटेक्ट में है या उसके साथ रखी हुई है तो E क्या हो जाएगा emissive power of any other body ठीक है। तो ये चीज हो गई EB और A ये आपका हो गया ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो बनाते हैं तो देखिए हमने लास्ट टाइम पे एक चीज पढ़ी थी emissivity क्या होता है बेटा ये emissivity पढ़ा था दैट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल बॉडी emissive पावर टू द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉडी ठीक है। ये अपना क्या था emissivity था ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो EB क्या हो गया आपका जनरल ये अपना एब्सॉर्बिटी के केस में यानी कांस्टेंट रहेगा हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग। देखो EB की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग रहेगी E हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा और अल्फा क्या है कांस्टेंट है ये तो ठीक है। ये हर बॉडी के लिए अलग अलग आएगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि आपका जो किरचॉफ लॉ था किरचॉफ लॉ ने आपको क्या कहा
कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, या फिर ये बात करें कि किसी भी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर और किसी भी बॉडी की एब्जॉर्बिटी का जो रेशियो रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इन दोनों के बीच में, देखो अगर इन दोनों रेशियो को सेम बनाते हैं हम लोग, यहाँ से क्या बनता है आपका, अल्फा इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई बी बनता है, और इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो अपना क्या रहता है, अल्फा इज इक्वल्स टू एमिसिविटी, यही प्रूफ होता है ना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन, ठीक है, अल्फा जो है हमेशा वन से स्मॉल ही आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू अल्फा की क्या रहेगी, वन रहेगी, ठीक है। तो इमिसिव पावर जो है इज ऑलवेज स्मॉलर देन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि देखो अल्फा की वैल्यू जो है आपकी वन से कम रहेगी, ठीक है। अब वन से कम रहेगी तो डेट मीन्स जो नॉर्मल बॉडी की इमिसिव पावर है वो भी वन से कम आएगी, और हमने यही प्रूफ कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो सबसे ज्यादा रहेगी। अब कोई भी बॉडी ले लो, अगर आपकी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर यानी अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा आपकी उसकी इमिसिव पावर भी रहेगी, ठीक है। यहां से हमारा किरचॉफ लॉ ये प्रूफ करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना जितना उसका एब्जॉर्प्शन रहेगा उतनी ज्यादा उसकी इमिसिविटी हम लोग शो करेंगे, उतनी ही ज्यादा इमिसिविटी उसकी रहेगी। और किसी भी अदर ब्लैक अदर या नॉर्मल बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो हमेशा ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से कम रहेगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर जो है ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से कम रहती है। सो दैट इज योर किरचॉफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आपके प्लैंक लॉ की, हम लोग बात करते हैं जो कि हमने देखा था, ठीक है। प्लैंक लॉ के लिए हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका प्लैंक रेडिएशन हम लोगों ने देखा था कि प्लैंक रेडिएशन क्या होता है। तो प्लैंक रेडिएशन क्या था आपका, ठीक है, प्लैंक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो प्लैंक रेडिएशन क्या कहता है, द प्राइमरी लॉ गवर्निंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द प्लैंक दिस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द यूनिट सरफेस एरिया इनटू द फिक्स्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बताता है या ये लॉ क्या बताता है कि किसी भी बॉडी से, ठीक है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया में, उसको और ब्लैक बॉडी से जो इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन है ये। तो ये क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू लेमडा टी जो है आपका, क्या है, लेमडा तो हो गया वेवलेंथ जो यहाँ पे ये हमें निकालनी है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या हो गया कि प्लैंक लॉ है, प्लैंक लॉ ने आपको डिस्क्राइब किया या प्लैंक लॉ ने जो एस्टेब्लिश किया, उन्होंने ये रिलेशन बताया कि ब्लैक बॉडी से जो इमिट हो रही है रेडिएशन उसकी वेवलेंथ और टेम्परेचर को बेस बना के जो फंक्शन है उसने डिफाइन किया, ठीक है। इस फंक्शन में क्या क्या आता है आपके, ठीक है, इस फंक्शन में देखो आपका फॉर्मूला क्या, आपकी जो इक्वेशन क्या बनती है, 2hc स्क्वायर अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन e एप्सिलॉन, ठीक है, hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट डेरिवेशन है इसको, हमें इक्वेशन, हमें डेरिवेशन प्रूफ नहीं करना है, ना आपसे एग्जाम में आता है, आपसे डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्लैंक रेडिएशन लो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लैंक रेडिएशन लो, और ये चीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h क्या है आपका, प्लैंक कॉन्स्टेंट हो गया, प्लैंक कॉन्स्टेंट इज 6.625 into 10 to the power minus 27, ठीक है। के आपका क्या हो गया, जो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे, के वन पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, नो कि स्टेफन बोल्ट्जमैन, ध्यान रखना, ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दैट इज 1.38 into 10 to the power minus 23 होता है ये, इट्स नॉट 16, इट्स k इक्वल टू 1.38 into 10 to the power minus 23, ठीक है, जूल पर केल्विन,
ठीक है, इसने अर्ग में कन्वर्ट किया इसलिए उसने ले लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दैट्स योर प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्लैंक रेडिएशन है, जो प्लैंक आपको रेडिएशन है उसमें क्या रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। प्लैंक लॉ में ध्यान रखना, प्लैंक लॉ ने क्या बताया, सॉरी प्लैंक लॉ ने बताया कि आपकी जो ब्लैक बॉडी है उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसके वेवलेंथ, ठीक है, और उसके सरफेसेस की भी सॉरी वेवलेंथ और टेम्परेचर को बेस बना के उसने एक इक्वेशन को डेराइव किया, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई। अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो ग्राफ आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो ग्राफ आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको वापस बोर्ड पे अपना देखते हैं, ठीक है। तो प्लैंक लॉ की हम लोग बात कर रहे थे, प्लैंक लॉ, ठीक है। प्लैंक लॉ ने आपको जो डेरिवेशन प्रोवाइड किया, ठीक है, आपका प्लैंक लॉ का डेरिवेशन था, ठीक है। उसमें हमने देखा कि उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें जो आपका ग्राफ जनरेट होता है, ये एक आपका ग्राफ जनरेट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ आपका मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हो कि ई जो आपने निकाला था लैम्डा, ठीक है, और टी का फंक्शन जो था वो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपकी वेवलेंथ, ठीक है। इनके बीच में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से आपके ग्राफ जनरेट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे जनरेट होते हैं। जैसे बात करें तो ये 2000 केल्विन पे आपका जनरेट होता है, ये आपका 1500 पे जनरेट होता है, ठीक है, और ये आपका 1000 पे जनरेट होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर जाएंगे होते जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस ग्राफ से जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, तो पहला कंक्लूजन इनका क्या था कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी इमिटेड, द एनर्जी इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अपनी जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है, या फिर ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी, स्टेफन बोल्ट्जमैन, किरचॉफ लॉ और प्लैंक लॉ कंसिडरेशन किया है, ठीक है। प्लैंक लॉ तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग आपके रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी को डाउट हो बेटा, एनीबडी एल्स, आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट है बेटा किसी को, और बेटा क्लास में इतने ही बच्चे क्यों आ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या तुम लोगों को, क्यों बेटा बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास में, तो वो पेपर चल रहे हैं ना विवेक के, तो बेटा उसमें दो बच्चे पांच बच्चे होंगे, सारे बच्चे थोड़ी हैं, हैं? वो सर पहले भी इतने आते थे, इसमें तो सर जूम में 25 तो आते थे सर, हाईएस्ट बेटा 25 भी नहीं है ना, तो 18 में से दो तो मेरे खुद के चल रहे हैं, 16 ही हो तुम लोग यार, हैं? सब नमन तो भी गया हुआ है बाहर कहाँ पे 2-3 दिन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और किरचॉफ लॉ और प्लैंक लॉ को डिस्कस किया है, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।